सो हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि अभी हम लोग डीएम प्लान वीडियो सीरीज को देख रहे थे, तो आज का जो टॉपिक है वो डीएम प्लान से ही रिलेटेड है, जिसमें हम लोग बात करेंगे एससीएफ के बारे में। इससे पहले वाला जो हम लोग वीडियो देखे थे वो देखे थे डुअल मीडिया फिल्टर के बारे में और मल्टी मीडिया फिल्टर के बारे में। तो वो वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, देख लीजिएगा। बाकी सारा जो चीज़ें होगी, मैक्सिमम चीज़ें, वो उसी से रिलेटेड है, बस जो मीडिया होता है वो चेंज होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ये जो एससीएफ यानी कि एक्टिवेटेड कार्बन जो फिल्टर होता है वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या इसका डिजाइन है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, किस किस इंप्यूरिटी को ये रिमूव करता है, और अगर हम लोग इसका यूज ना करें तो क्या प्रॉब्लम होगा। इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, तो जैसा कि फिल्टर यानी कि ये भी एक तरह का फिल्टर ही है, और इसमें जो हम लोग मीडिया यूज करते हैं तो एक्टिवेटेड कार्बन यूज करते हैं, इसलिए इसे एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर कहा जाता है। ओके, बाकी ये क्या रिमूव करता है और इसे क्यों एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर कहते हैं, इसको हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसका जो डिजाइन है वो कैसा होता है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग ने ऑलरेडी डुअल मीडिया फिल्टर और मल्टी मीडिया फिल्टर के बारे में देखा। बाहर से ये सभी जो फिल्टर अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो ये लगभग आपको बाहर से सेम ही दिखेगा, लेकिन अंदर का जो मीडिया होता है, अंदर का जो डिजाइन अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। इसके मीडिया और इसके वर्किंग के अनुसार ये डिफरेंशिएट होते हैं। ओके, और इसको हम लोग अगर डेली लाइफ के एग्जाम्पल में देखें तो ऐसा नहीं कि ये आपको इंडस्ट्री में ही दिखेगा। घरों में अगर आपने आरओ वगैरह लगाया होगा या वाटर प्यूरीफायर लगाया होगा तो उसमें भी ये फिल्टर आपको दिखेगा। ये एक्टिवेटेड कार्बन जो फिल्टर होता है वहाँ पर भी सेम पर्पज होता है, उसी पर्पज के लिए अगर इंडस्ट्री में देखें या आपके घरों में देखें सेम पर्पज के लिए यूज किया जाता है। क्या वो पर्पज होता है उसको हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका डिजाइन को समझते हैं। तो देखिए, ये बाहर से आपको देखेंगे तो आपको इस तरह का इसका केसिंग दिखेगा, यानी कवर में ये अंदर में रहता है, बाहर से आपको इस तरह का दिखेगा। बाहर की ओर देखेंगे तो ये आपका एक मेन होल होता है जिसमें सफिशियंट जगह होता है कि आप इसके अंदर जाकर इसमें आप काम वगैरह कर सकते हैं, मीडिया को चेंज वगैरह अगर करना है तो कर सकते हैं। ओके, यहां पर देखेंगे तो यहां पे दो आपके हैंगर दिए होते हैं जिसके मदद से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया जाता है, ठीक है, हैंगिंग किया जाता है। यहाँ पर एक एयर वेंट होता है, तो जब इसको लाइन में लिया जाता है तो जो भी इसके एयर जो इसमें मौजूद होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है इस वेंट की मदद से। ओके, यहाँ पर इस वाटर का इनलेट पॉइंट हो गया, इसके मदद से यहाँ पे वाटर इन करता है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्टिव लेग होते हैं जिसके द्वारा एक पर्टिकुलर प्लेस पे ये खड़े रहते हैं। ओके, ये इसका आउटलेट लाइन हो गया, वाटर जब फिल्टर हो जाता है तो यहीं से आपका वाटर जो है वो आउट होता है, ठीक है। तो ये बाहर का लगभग स्ट्रक्चर हो गया। अब अंदर का हम लोग डिजाइन देखते हैं, तो जैसा कि हम लोग ने अलग जो फिल्टर के बारे में हम लोग देखा, जैसे डुअल मीडिया फिल्टर या आपका मल्टी मीडिया फिल्टर, तो उसमें हम लोग ने बात किया था कि जो आपके अंदर में जो मीडिया यूज किया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा आपका वाटर जो है वो फिल्ट्रेट होता है, तो वो आपके दो तरह का होता है, एक होता है सपोर्टिंग बेड और एक होता है मेन बेड, ठीक है। तो आपका सपोर्टिंग बेड होता है वो आपके हर फिल्टर में मौजूद होता है। जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, सबसे नीचे में देखेंगे तो आपका ये स्टेनर नोजल लगा होता है, जब वाटर जब फिल्ट्रेट हो जाता है तो इसी नोजल से आउट होकर यहाँ पे से निकलता है, और उसके ऊपर ही आपके पेबल्स होते हैं। पेबल्स होते हैं बड़े बड़े जो बालू में जो पाए जाने वाले जो पत्थर वगैरह होते हैं, वो आपका पत्थर होता है। फिर उसके ऊपर आप देखेंगे तो एक सर्टेन हाइट में आपका ग्रेवल्स होता है। ग्रेवल्स, इसी पेबल्स को अगर छोटा छोटा पीस कर दिया जाए, ठीक है, तोड़ फोड़ के, तो वो आपके ग्रेवल्स में बदल जाते हैं, ठीक है, ये भी एक तरह का पत्थर ही होता है। बाकी इसके ऊपर आप देखेंगे तो फिर आपका कोर सिलेक्स होता है। तो कोर सिलेक्स क्या है, तो ये भी पत्थर के और भी छोटे पार्ट्स होते हैं जो ग्रेनुलर साइज के होते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर आपके जो देखेंगे तो इसका जो फाइन्स पार्टिकल्स होता है, इसी कोर्स को अगर इसको और तोड़ तोड़ के छोटा कर दिया जाए तो ये फाइन्स में बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर फाइन्स का यूज किया जाता है। ओके, तो ये इस तरह से इसका सपोर्टिंग बेड जो है वो तैयार हो जाता है। इसके ऊपर जो इसका मेन बेड है यानी कि जो एक्टिवेटेड कार्बन बेड है वो उसको रखा जाता है। हमेशा जो मेन बेड होता है वो सपोर्टिंग बेड से ज्यादा होता है। ओके, अब देखिए यहां पर जो एक्टिवेटेड कार्बन जो बेड होता है वो किस चीज का बना होता है, तो वो उसी चीज से बना होगा जिसमें आपका कार्बन परसेंटेज जो होगा वो ज्यादा होगा। जैसे हमारा अगर कोयला का बात करें तो किस टाइप के कोयले में कार्बन परसेंटेज ज्यादा होता है, तो एंथ्रासाइट में ज्यादा होता है। ओके, तो इसी ये एंथ्रासाइट कोल का भी बना हो सकता है। चारकोल, जो लकड़ी को जलाकर जो कोल बनाया जाता है जिसको चारकोल कहा जाता है, तो वो भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि एबीसी बोलर में हम लोग देखे थे कि लाइटअप जब किया जाता था वहां पर चारकोल का यूज किया जाता है, तो वही वाला चारकोल जो है वो उसके मदद से यहाँ पे एक्टिवेटेड कार्बन बेड तैयार किया जाता है। साथ में जब कोकोनट सेल होता है, जैसे आप नारियल वगैरह अगर खाते हैं तो नारियल के ऊपर जो खोपड़िया रहती है ना,
तो वो उसके द्वारा उसको जलाकर जो कोयला बना दिया जाता है, तो कोयला बना देने के बाद एक्टिवेटेड कार्बन में उसको तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि एंथ्रासाइट कोल के द्वारा और जो कोल चारकोल होता है और जो कोकोनट सेल होता है, इन किसी में से भी एक हमारा एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो तैयार हो सकता है। ओके, तो इसी का बना होता है और यहीं पर ये इसके जस्ट ऊपर जो फाइन साइलेक्स होता है इसी के ऊपर इसको स्थापित कर दिया जाता है। ओके, तो इसका काम क्या होता है? तो देखिए, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में ये प्रॉपर्टी होता है कि वाटर में हमारा जो भी क्लोरीन मौजूद है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, जो भी दुर्गंध वगैरह अगर मौजूद है, उन सभी को वो रिमूव करता है, उसको वो ट्रैप कर लेता है। तो जैसे वो ट्रैप कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारा क्या होगा, वाटर में जितने सारे ये सभी इंप्योरिटीज है वो रिमूव हो जाएंगे और हमारा फ्रेश वाटर होता है। तो अगर कोई पूछे कि हमारा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर किस प्रोसेस पे वर्क करता है, तो ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पे वर्क करता है। ओके, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कपड़ा में अगर हम थोड़ा पानी को अगर गिरा देंगे तो वो कपड़ा क्या होगा, उस पानी को सोख लेगा, तो उसी को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। और इसी विधि से हमारा ये एचसीएफ जो है वो वर्क करता है। तो वाटर यदि यहाँ पे ये इस जो आपका वाटर इनलेट लाइन है ये यहाँ पर आता है, और वाटर में जो भी अगर मौजूद होता है उसमें क्या मौजूद हो सकता है, तो फ्री क्लोरीन आपका मौजूद हो सकता है। फ्री क्लोरीन क्या होता है, तो जो हम लोग अलग से जो क्लोरीन यूज किए थे, जो रेसिडुअल आपके क्लोरीन होते हैं, जैसे हम लोग प्री ट्रीटमेंट वाले प्लांट में देखे थे कि जब वाटर का प्री ट्रीटमेंट किया जाता है तो वाटर में जो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लोरीन का यूज करते हैं। तो वही क्लोरीन जो होते हैं वो वाटर में मौजूद होते हैं और उसको रिमूव करना जरूरी होता है, तो इस एक्टिवेटेड कार्बन की मदद से वो रिमूव हो जाता है। साथ में अगर वाटर में कुछ कलर वगैरह है, ठीक है, अगर पीलापन पड़ गया है, रेडिश हो गया है, तो वो भी आपका वाटर जो है वो क्लीन करता है। साथ में आपका जो ऑर्डर है, कुछ दुर्गंध है, कुछ बेड टेस्ट है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह है, तो वो उसको में भी यहाँ से रिमूव करता है। तो कैसे ये वर्क करता है, तो वाटर सबसे पहले आपका यहाँ से इन करता है, और जैसे कि हम लोग पिछले फिल्टर में देखे थे कि वाटर डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता है, पहले ऊपर जाता है और फिर नीचे आपके फिल्टर में गिरता है। तो जब ये वाटर आपका यहाँ पे नीचे आता है और जब ये एक्टिवेटेड कार्बन बेड से होकर गुजरता है, तो एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है वो ग्रेनुलर, जनरली आपका ग्रेनुलर शेप में होते हैं, छोटे छोटे दानेदार होंगे और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होंगे यानी कि पोर्स होगा, और वही जो होता है पोर्स में आपके ये जो भी इम्प्यूरिटीज वगैरह है, फ्री क्लोरीन, ऑर्डर, आपके बेड टेस्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सभी ट्रैप हो जाते हैं, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्रेश वाटर जो होता है वो यहाँ से आउट होता है, और इस नोजल से आउट होकर हमारा वाटर जो है वो यहाँ से आउट हो जाता है, और फिर इसके बाद जो होता है वो SSC में जाता है। जैसे कि हम लोग अगर DM प्लांट की अगर बात करें तो वो SSC में इसके बाद हमारा वाटर जो है वो जाता है और वहाँ पे DM प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। तो इस तरह से हमारा जो एक्टिवेटेड कार्बन जो फिल्टर है वो वर्क करता है। आई होप कि आज का ये जो टॉपिक था वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि अभी इसे समझोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।